साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। आज आपको हम बताएंगे बैंक और कंपनी में क्या अंतर होता है, यानी जो भी हमारे साथी पैसा निकासी का काम करते हैं, बैंकिंग का काम करते हैं, उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी बैंक से अपना लाइसेंस लिए हुए हैं और कुछ लोग सर्विस प्रोवाइडर कंपनी से पैसा लिए हुए हैं। दोनों का कमीशन लगभग सेम ही होता है, बहुत थोड़े बहुत के अंतर होते हैं कमीशन में, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं बड़े पैमाने पर। तो साथियों, एक बहुत बड़ा अंतर होता है कंपनी और बैंक में। मैं आपको शॉर्ट जानकारी दे रहा हूँ, जिससे आपको बाकी आगे की चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि बैंक क्या होता है और सर्विस प्रोवाइड कंपनी क्या होती है। साथियों, सबसे पहले हम बैंक की बात कर लेते हैं कि आप सभी लोग जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं कि बैंक वो होता है जो RBI से रजिस्टर्ड होता है और बैंकिंग का काम करता है, जिसके पास IFSC कोड होता है, जिसमें खाता खुलता है। उदाहरण के तौर पर हमारे देश में बहुत सारे बैंक हैं, SBI, फिनो बैंक, HDFC बैंक, ICCI बैंक, तमाम सारे बैंक हैं। लेकिन सबसे आसानी से जो है ID अगर मिल पा रही है किसी की, तो होती है फिनो बैंक की। सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों में बहुत सारी कंपनियां होती हैं, जैसे पेनियर बाई, स्पाइस बनी, नोवा पे, डोगमा साफ्ट, बहुत सारी कंपनियां इस समय बहुत तेजी से बढ़ी हुई हैं। तो साथियों, जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां होती हैं वो चीट फंड में रजिस्टर्ड होती हैं। चिट फंड का मतलब जानते हैं कि कोई भी कंपनी होती है तो उसको रजिस्टर्ड करने के लिए चिट फंड में जाना होता है, यानी तो कह सकते हैं कि वो RAC में रजिस्टर्ड होती है। ROC में जो भी कंपनियां रजिस्टर्ड होती हैं वह एक तरह से ठेकेदारी का काम करती हैं। उनका खुद का अपना एक चैनल होता है, दूसरे से कोई भी चीज़ के रेट का और काम का समझौता करते हैं और अपने लेबरों से, अपने वर्करों से काम करवाते हैं। और वही जो है, जो खुद का अपना एक मालिक होता है, जो खुद के उसके सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं और वर्क करते हैं, जैसे हम उदाहरण कर सकते हैं कि सरकारी काम और प्राइवेट काम। प्राइवेट में ही एक ठेकेदारी काम होता है और एक सेल्फ का काम होता है। तो जो भी लोग बैंक लिखते हैं, बैंक के साथ साथ आपको अगर डायरेक्ट आपको CSP दे रहे हैं तो आप डायरेक्ट बैंक के साथ जुड़े हुए हैं। बैंक के साथ अगर जुड़ते हैं तो सबसे बड़ी खासियत आपकी क्या होती है कि आपका पैसा सिक्योर होता है, यानी आपके वैलेट में पैसा ना होकर के बैंक में जो होता है आपके बैंक अकाउंट में पैसा होता है, यानी जो आप ट्रांजेक्शन करते हैं, पैसे का निकासी करते हैं, वह निकासी वाला पैसा जो है आपके अकाउंट में होता है। अकाउंट में होने के कारण जो है उसका जिम्मेदार RBI होती है। किसी भी कारण से बैंक बंद हो जाती है या कोई बड़ा फ्रॉड हो जाता है तो आपको उसका जिम्मेदार RBI होती है। और दूसरी बात साथियों, उस पैसे का इंश्योरेंस भी होता है। जो आप बैंक में पैसा रखते हैं, चाहे वो फिनो बैंक हो, SBI हो या कोई भी बैंक हो, उस पैसे का इंश्योरेंस भी होता है। यानी किसी भी कारण से कोई अगर फ्रॉड होता है, कोई बात अगर होती है, तो आप क्लेम भी कर सकते हैं कि मेरे अकाउंट में पैसा था जो फ्रॉड हो गया, तो उस पर सुनवाई भी होगी। वही साथियों, जो लोग सर्विस प्रोवाइडर कंपनी से पैसा लिए हुए हैं, किसी भी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी से पैसा लिए हुए हैं, उनका एक वैलेट होता है, उनका बैंक नहीं होता है। वैलेट का मतलब होता है कंपनी के द्वारा बनाया गया एक बटुआ, मतलब एक पैकेट होता है। जो भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं वह पैसा उस वैलेट में जाता है। उस पैसे को आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उस पैसे को आप कंपनी का जो भी प्रोडक्ट है केवल उस प्रोडक्ट में उपयोग कर सकते हैं, जब तक कि आप उसे मुंह करके अपने किसी भी बैंक में पैसा ट्रांसफ़र न कर लें। उदाहरण के तौर पर आपके वॉलेट में अगर पैसा है तो आप किसी भी बैंक में जाकर के पैसा निकासी नहीं कर सकते हैं, कहीं से आधार से पैसा अंगूठा लगाकर पैसा निकासी नहीं कर सकते हैं, किसी को पैसा आप ट्रांसफ़र। इसके अलावा जो है एक बड़ा डिफरेंस जो होता है,
सिक्योरिटी की बात। साथियों जैसा खास लोग जानते हैं कि जो लोग खुद सेल्फ जो है काम करते हैं और अपने साथ लोगों को जोड़े हुए हैं, खुद का उनका गेटवे है, खुद का उनका पोर्टल है, खुद के वो मालिक हैं, आप उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो आप कितना बेहतर महसूस करेंगे, कितना अपने आप को आप सेफ महसूस करेंगे। लेकिन वहीं आप ब्रोकर यानी दलाल कर सकते हैं या ठेकेदार कर सकते हैं, ऐसे जैसे सर्विस प्रोवाइड कंपनियां क्या होती हैं, ये जो है बीच की ठेकेदार हैं। इनके पास हमारे जैसे आप जैसे बहुत सारे रिटेलर हैं, तीनों ने ICICI बैंक से, HDFC बैंक से, किसी बैंक से उन्होंने गेटवे लिया, उसका वो फीस भरते हैं, उस पर कम बैंक इनको जो है कमीशन देती है और ये आपसे काम कराते हैं और उस पर जो है आपको बेनिफिट मिलता है। लेकिन कोई भी बड़ा हादसा होने पर, कुछ होने पर, इसकी जिम्मेदारी बैंक नहीं लेती है। उदाहरण के तौर पर कुछ दिन पहले जो है कई बैंक आपस में मर्ज हुए, जो लोग उनका गेटवे चला रहे थे उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। ये उदाहरण आप लोगों के सामने भी था। लेकिन जिनका बैंक का आईडी है, डायरेक्ट बैंक से हैं, उनको कोई परेशानी अभी तक नहीं हुई है। इसके अलावा साथियों बताते हैं आईडी का चार्ज, ऑनबोर्डिंग व्यवस्था। साथियों जो भी लोग बैंक से हैं उनकी आईडी जो है तत्काल जनरेट नहीं होती है, पहले उनकी KYC होती है, उनकी आईडी एक्टिव होती है, फिर RBI के पास जाती है, RBI के लोग उसे ऑथेंटिकेट करते हैं, आपके डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं, अकाउंट अप्रूव होता है, उसके बाद आपके आईडी का पासवर्ड मिलता है। लेकिन वहीं जो है कंपनी की जो बात होती है, कंपनी में जेस सेकेंडों में आपके नाम पता डिटेल्स भरा गया और मिल गया और काम आपका स्टार्ट हो गया। लेकिन किसी भी बैंक से अगर आप आईडी लेते हैं तो तत्काल आपका काम स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि RBI का बिना अप्रूवल के आपकी आईडी वर्क नहीं करती है। इसीलिए फिनो बैंक की जो भी लोग आईडी लेते हैं उनका काम 2 से 3 दिन बाद स्टार्ट होता है। जो भी लोग फिनो बैंक की आईडी लेते हैं या किसी भी बैंक की आईडी लेते हैं उनका 2 से 3 दिन, कभी कभी 1 सप्ताह लग जाते हैं आईडी को एक्टिव होने में। दूसरे साथियों खास बात जो है पेमेंट गेटवे, सबसे मेन और सबसे अहम रहने वाली चीज़ है कि आप लोग देखते होंगे, वर्क करते होंगे, जितने लोग सर्विस प्रोवाइड कंपनियों पर काम करते हैं उनका पेमेंट ज़्यादा फंसता है बैंक के अपेक्षा। तो साथियों इस हिसाब से भी अगर आप फिनो पेमेंट बैंक का काम करना चाहते हैं तो बेहतर है सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों की अपेक्षा। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि मैं सर्विस प्रोवाइडर कंपनी का ही काम करूं, तो साथियों हमारे द्वारा दिए गए डिस्क्रिप्शन पर पर फ़ोन करके या व्हाट्सअप करके आप सर्विस प्रोवाइडर कंपनी का आईडी लीजिए या फिनो बैंक की आईडी लीजिए, दोनों की आईडी हमारे पास दी जाती है, चाहे स्पाइस मनी, नोवा पे, डोगमा सॉफ्ट, बेनियर बाई, किसी भी कंपनी की आईडी चाहिए वो भी आईडी मिलेगी, फिनो बैंक की आईडी चाहिए वो भी आईडी हमारे द्वारा मिलेगी। लेकिन मेरा जहाँ तक कहना है कि यदि आप फिनो पेमेंट बैंक की आईडी लेते हैं तो आपके लिए बेहतर है और हमारे लिए भी बेहतर है, सपोर्ट अच्छा है। फिनो पेमेंट बैंक में आप जो है कर क्या कह सकते हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां नहीं कर पाती हैं, नहीं करती हैं, उसको जान लीजिए। नंबर एक, अकाउंट ओपनिंग सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां नहीं करती हैं, फिनो बैंक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी नहीं है, ये बैंक है तो यह अकाउंट ओपनिंग भी करती है। नंबर दो, फिनो बैंक का IFSC कोड भी होता है जबकि सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों का IFSC कोड नहीं होता है। फिनो पेमेंट बैंक के रिटेलर जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं वह अपने पोर्टल से पैसा कहीं भी जा करके ब्रांच पर फिंगर लगाकर पैसा निकाल सकते हैं, सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां में ऐसी व्यवस्था अभी तक नहीं दी गई है। फिनो पेमेंट बैंक बैंक है, इसमें आप मर्चेंट अगर हैं, CSP लिए हुए हैं, काम करते हैं, तो आपको लोन भी लेने का ऑप्शन है, आप लोन भी ले सकते हैं, जबकि सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों में लोन की कोई व्यवस्था नहीं है। फिनो पेमेंट बैंक में आप अपने ग्राहकों का गोल्ड लोन
या व्यक्तिगत लोन भी कर सकते हैं, जबकि सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों में इस